प्रोफेसर दिनेश वाशने मेरे साथ हैं। दिनेश जी, आपने कहा आप ओपीएस लेकर आएंगे, कांग्रेस बड़े कैलकुलेटेड तरीके से ओपीएस पर खामोशी साध गई अपने मैनिफेस्टो में, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा आप भी हैं, ये कंसेंसस का कुछ गड़बड़ मसला है क्या? आप कह रहे हैं ओपीएस लाएंगे, वो कह रहे हैं देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस। नहीं नहीं, साइलेंस उन्होंने की होगी, पहले भी जब यूपीए 1 और यूपीए 2 बना था तो उसमें मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने 72 सजेशन दिए थे और वो एक्सेप्ट हो गए थे। तो जब हम अब भी जब ये मोदी जी तो लौट के आने वाले नहीं है सरकार में, थे बहुत से बहुत लाए थे 181 सीट पे अटक लेंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है प्रोफेसर दिनेश वाशने? क्या ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? उसका कॉन्फिडेंस हमें इसलिए आता है कि अग्निवीर के कारण पूरा हरियाणा, पूरा वेस्टर्न यूपी, पूरा पंजाब के नौजवान एक वोट नहीं देगा बीजेपी। ये चाहे 5,000 रुपए पर वोट दे ले, चाहे 10,000 रुपए वोट ले। प्रोफेसर दिनेश, आपकी आवाज, प्रोफेसर दिनेश मुझे लगता है कि आपने अपनी आवाज म्यूट की है, इसको अनम्यूट करके फिर आगे बढ़िए आप। इसलिए कि किसान इनसे भी नाराज बैठा है, इसलिए आएगा कि इन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई बेहद ज्यादा है, परसों नर्सों की दवाई के 12% दाम पड़े। और ये कहते हैं जी हम सबसे ज्यादा ईमानदार है, मैं कह रहा हूँ आजादी के बाद इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आई नहीं, जिसने ये कह दिया सीएजी ऑफिस को कि अब हमारे किसी भी स्कीम की सीएजी ऑडिट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? सोशल ऑडिट आप नहीं होने देते अपनी स्कीम का, सीएजी ऑडिट आप नहीं होने देते। ब्रॉफेल में आप कहते हैं सोवन गार्डन गारंटी क्लॉज गिरा दो सीएजी की रिपोर्ट में, अरे किसको बेवकूफ बना रही? घनश्याम जी जिस पर इशारा कर रहे थे उसकी अगर आप डिटेल में रीमा जी जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि क्या बुरी हालत है। जो आपने रेफरेंस दिया था अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी का, शुक्ला जी मैं आपको बताना चाहता हूँ 3.8% इन डिवाइड को आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसने उस प्रोफेसर ने भी इसी डाटा को कैलकुलेट किया हुआ है, वो डाटा गरिमा जी सही कह रही थी। आप कैलकुलेट करके लिए टोटल बेरोजगार की परसेंटेज निकाल के और उस परसेंटेज पे जाइए, वो वहीं आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर जगदीश, आप इतने लर्नेड आदमी है, आप इतने लर्नेड व्यक्ति, मुझे ये बताइए ये चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है, बेरोजगारी को मुद्दा आप बना चुके, महंगाई को मुद्दा आप बना चुके, किसान को आप बना चुके, गरीबी को आप बना चुके, ये बावजूद इसके चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट तो इनके फेवर में है, सरकार के फेवर में जाता है। इस बार नहीं है। अच्छा। इस बार ये नहीं है, नहीं तो ये ईडी को इतना एक्टिव नहीं करते, सीबीआई को इतना एक्टिव नहीं करते, एनआईए को इतना एक्टिव नहीं करते, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रेगिस्तान बना रखा है। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके बैठे हुए इनके बंदे दूध के दुले, जरा ये बता दे एक एक का नाम बता दे, सब इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज कर दिया ना 25 आदमियों का, कब कौन कब आया और इनकी मशीन में ढुला और व्हाइट क्लैड हो गया 180 का टारगेट। ठीक है, 180 प्रोफेसर दिनेश वाशने में यहीं से